नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल खंवारे। इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां हुए बम विस्फोट में चारों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई। आपको बता दें, इस विस्फोट में 71 लोगों की जान गई थी। चलिए अब रुक करते हैं खास खबर की तरफ। पूरे देश में जहां नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन शुरू से लेकर अब तक काफी ज्यादा उग्र हो चुका है। जहां दिल्ली से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, वहां यूपी में अब इसका असर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, यूपी में जिस तरह से लखनऊ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, बहराइच, इन जिलों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अर्जनी देखने को मिल रही है, उस तरह से तो यही लग रहा है कि शायद ही देश का कोई ऐसा कोना बचा हो जहां पर आगजनी तोड़फोड़ ना की गई हो। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से आपकी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर है बहराइच की, इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई है। दूसरी तरफ है बिजनौर, तीसरी तस्वीर है फरुखाबाद की, चौथी तस्वीर है हाथरस की, पांचवी तस्वीर जामा मस्जिद और छठी तस्वीर है बुलंदशहर की। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बहराइच की है, जहां पर इंटरनेट की सुविधाएं बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। बिजनौर में भी हालात वही नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है, 144 लागू कर दी गई है, फिर भी लोग हुजूम में दिख रहे हैं और प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। फरुखाबाद में भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए हैं, लेकिन फिर भी लोग नजर आ रहे हैं। हाथरस में झंडे लेकर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जामा मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू किया गया, वहीं पुलिस भी उनके सामने जोरों से नजर आ रही है, लाठीचार्ज कर सकती है। पूरे पुलिस भी अपने पुरजोर से वहां पर कोशिश करती हुई नजर आ रही कि प्रदर्शन पर रोक लगाई जा सके। छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बुलंदशहर में किस तरह से आगजनी की गई है, पत्थरबाजी की गई है, पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। जिस तरीके से आप ये 6 तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 6 तस्वीरों में आगजनी पत्थरबाजी देख रहे हैं, लोग जिस तरह से झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद इन लोगों की सोच यही है कि जिस तरह से ये झंडा लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसी पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता वसीम अहमद जुड़ चुके हैं। जी वसीम, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त बुलंदशहर के क्या हालात है, जिस तरह से पूरे देश में आगजनी और पत्थरबाजी देखने को मिल रही है, इस वक्त बुलंदशहर में क्या हालात है? मैम, मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर की यहाँ पर धारा 144 लागू है और पुलिस का काफी प्रयास रहा था, मस्जिदों में जाकर डोर टू डोर भी पुलिस ने जाकर प्रयास किए थे किसी तरह से इस तरह का प्रदर्शन न हो, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का प्रदर्शन है। यहाँ पे हजारों की तादाद में ग्रामीण से लोग आए और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हमारी यहाँ अगर बात करें धरना प्रदर्शन की, तो यहाँ दो रूटों में धरना प्रदर्शन हुआ। एक लगभग 5 से 10 हजार लोग जो थे यहाँ सैनिक जैसे लेके कालाम चौराहे तक प्रदर्शन किया, वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ बता दें कि यहाँ ऊपर कोट एक एरिया है, ऊपर कोट जहाँ कोतवाली नगर थाना भी है, वहां पर सारा आला जिसका SSP, DM, जिलाधिकारी, ADM और सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। अगर यहाँ की बात बताएं तो जिस तरह जुलूस को रोका गया, तो वहां से एक तरफ से दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो गई। पत्थरबाजी को देखते हुए यहाँ की पुलिस ने जो है उन पर लाठीचार्ज करनी शुरू कर दी है। लाठीचार्ज के बाद में जब देखा पुलिस को मोर्चे जहाँ पे गंभीर हो गया है, तो पुलिस ने गोली भी चलाई है और यहाँ पर आपको देख के गोले भी छोड़े गए हैं। फिलहाल पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे जिस तरह से 144 लागू कर दी गई और ये लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की बात हुई थी लेकिन उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके से पूरे यूपी में बवाल मचा हुआ है। वहां पर आपसे जानना चाहेंगे कि BJP की तरफ से क्या कोई नुमाइंदा, जैसे केंद्र में सरकार है, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा वहां पर समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए पहुंचा? अगर बता दें तो BJP की तो बहुत बाकी बात है, BJP के अलावा बाकी कोई भी यहाँ पर लोग किसी भी प्रकार का नेता सामने नहीं आया, लेकिन यहाँ मौजूदा हाजी अली विधायक BSP के थे, उनके छोटे भाई ने यहाँ मोर्चा संभाला और पब्लिक को शांत किया है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शांत किया गया है, क्या उग्र प्रदर्शन पत्थरबाजी आप बता रहे हैं, जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, पुलिस बल की तरफ से भी लाठी चार्ज किए गए, आंसू गैस छोड़ी गई है, उसी तरीके से क्या लोगों को काबू में किया जा सकता है, जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं हुजूम में झंडा लेकर प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक दिखावा कर सके शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं बताना चाहूंगा कि जब दोनों तरफ से जो है उपद्रवी
हंगामा कर रहे थे और पुलिस को रोकने का प्रयास कर रही थी। गोली चलने में एक युवक भी जख्मी हो गया है, वो घायल हो गया, जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हो गए। और अगर भीड़ काबू की बात करें तो यहाँ पूरी तरीके से पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन भीड़ के ज्यादा होने के कारण भीड़ जो है पुलिस प्रशासन से रुक नहीं पाई और भीड़ का जो है प्रभाव ज्यादा रहा, जिससे प्रशासन जो है चाहेंगे कि जिस तरह से ये पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, रोकना शुरू कर दिया है लोगों को, क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये विरोध थम सकता है? अगर इस वक्त की स्थिति देखी जाए तो मैम इस वक्त की स्थिति काबू में है और चारों तरफ और भी फोर्स लगा ली गई है, पुलिस कॉम्बिंग कर रही है और उस एरिया में काफी छावनी की तरह पुलिस दल तैनात है यहाँ पर। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारे साथ बुलंदशहर से संवाददाता वसीम अहमद। जिस तरीके से पूरे देश में आगजनी देखने को मिल रही, पत्थरबाजी देखने को मिल रही, देश के ही नागरिक नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जा खड़े हुए हैं। पूरे देश में एक तरीके से इन लोगों ने आग लगा दी। इस आग को रोकने के लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा अभी तक सामने नहीं आया, कोई कोशिश अभी तक नहीं की जा रही। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस कानून को पारित तो कर दिया गया है, एनआरसी की बात चल रही है। इस तरीके से जामा मस्जिद में नमाज के बाद प्रदर्शन शुरू किया गया, उसके बाद आगजनी कर दी। जिस तरीके से आपको बताते चले कि ये छह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जिस तरीके से पहली तस्वीर जो है बहराइच की है, दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, तीसरी तस्वीर फरुखाबाद की है, चौथी तस्वीर हाथरस की है, पांचवी तस्वीर जामा मस्जिद की है और छठी तस्वीर बुलंदशहर की। आपको बता दें बहराइच में जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। बिजनौर में भी सामान्य हालात नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से 144 लागू कर दी गई है। फरुखाबाद में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई भी प्रदर्शन उग्र ना हो सके। हाथरस में जिस तरीके से तस्वीरें दिखाई दे रही है, लोग झंडा लेकर खड़े हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से जामा मस्जिद में नमाज के बाद से ये प्रदर्शन शुरू हो गया। इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि छह तस्वीरों में किस तरीके से लोग दिखाई दे रहे हैं झंडे के साथ, साथ ही साथ पुलिस बल भी वहां पर दिखाई दे रहा है ताकि ये प्रदर्शन उग्र ना हो सके। छठी तस्वीर है बुलंदशहर की, जहां प्रदर्शन किया जा रहा है, आगजनी भी की गई है, पत्थरबाजी भी की गई है और इसके जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें छह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जहां एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस बल तैनात किया गया है, शायद इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस कामयाब भी हो जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लौटेंगे के ब्रेक के बाद। नो यस सॉरी नो यस यस नो यू जस्ट ओनली हैव टू प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस एंड यस Yes, yes. पिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call. जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम, रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर
ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस नो यस सॉरी नो यस यस नो यू जस्ट ओनली हैव टू प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस यस यस यस। पिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, प्लीज लॉग इन www.sanskarwedding.com एंड फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉल। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है, लोगों के हाथों में झंडा देखा जा रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, वो तस्वीरें हमने आपके स्क्रीन पर दिखाई। इसी पर आगे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब मेरठ से संवाददाता विपिन सोलंकी जुड़ चुके हैं। मेरठ के हालात जानते हैं कि किस तरीके के वहां पर हालात है। मेरठ विपिन जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात है मेरठ के। देखो मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूरे ही उत्तर प्रदेश में कानून बिल का विरोध को लेकर जगह जगह हिंसा देखने को मिल रही है, वहीं मेरठ प्रशासन भी पूरा अलर्ट पर है। नेट सेवा इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और सुबह ही बता दूं मैं आपको, सुबह एडीजे प्रशांत कुमार के साथ, आईजी आलोक सिंह जी के साथ पूरा प्रिंसिपल मुस्लिम एरिया और फ्लैग मार्च से निकला, ताकि कुछ वहाँ पे जो दंगा होना है या जो भी इंटरनेट सेवा उनको लेते हुए बिल्कुल कवर में रखते हुए कंट्रोल रखा हुआ है और पूरी प्रिंसिपल रोड पर है और रूट भी डाइवर्ट किए हुए हैं। इसको देखते देखते नेट में हर जगह से रूट भी डाइवर्ट किए हुए हैं। कुछ रूट ऐसे हैं जो मुस्लिम एरिया से निकल के जाते हैं, उनको आर्मी कैंप के रूप से निकाला जा रहा है। जी 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 विपिन, चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर है और यूपी के जितने भी जिले हैं वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, मुजफ्फरनगर की बात करना चाहूंगी। वहाँ पर जो सपा के जिलाध्यक्ष हैं फिरोज खान, उन्होंने उनको नजरबंद कर दिया गया था, आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर मेरठ में इस तरीके से क्या कोई नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन? जिस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पहले हुआ था, लेकिन अब कल ही मैं आपको बता दूँ, कल ही यहाँ पर मुस्लिम लोगों ने एक शांति समिति बैठक ली थी, उसमें विरोध करने के लिए ले गया, कुछ भी निर्णय नहीं था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ भी कुछ राजनीतिक नेता खबर। विपिन आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से मेरठ के हालात हैं, वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई नेता वहां पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है?
कमल मैं आपको इस मामले में बता दूं कि अभी तक किसी ने कोई भी नेता प्रदर्शन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल ही यहाँ पर पुलिस बल के साथ ही और मुस्लिम लोग और हिंदू लोगों ने एक शांति समिति की बैठक ली है, उसमें अभी तक कोई भी प्रदर्शन करने नहीं आया। लेकिन पुलिस बल मेरठ प्रशासन पूरा अलर्ट पर है और उसको लक्ष्य रखते हुए कुछ नेता भी मेरठ में भी नजर बंद किए हुए हैं। हालांकि दंगा होने की कोई भी मेरठ में संभावना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सहारनपुर देखा जाए, मुजफ्फरनगर देखा जाए और जब गाजियाबाद में भी हिंसा हो रही है, पूरी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हिंसाएं होती आ रही है उसको लेकर मेरठ जो है बिल्कुल मेरठ प्रशासन अलर्ट पर है। एडीजी प्रकाश कुमार के पूरे निर्देश है कि किसी भी तरीके की मेरठ से चूक नहीं होगी, क्योंकि मेरठ की क्रांति धरा वो धरती है, अगर वहां पर किसी भी तरीके से हिंसा उभर जाती है तो शायद मेरठ पुलिस को संभालना मुश्किल होगा। उसको लेकर मेरठ पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, पूरे अलर्ट पर है। इस तरीके से देखा जा सकता है कि उग्र प्रदर्शन की वहां से उम्मीद कम होती नजर आ रही है। शायद जिस तरीके से देश में पत्थरबाजी और आगजनी की जा रही है, मेरठ में इस तरीके के कोई हालात नजर ना आए। विपिन जी, को लेकर मिनट में फ्लाइंग मार्च भी निकाला जा रहा है। एडीजी खुद प्रशांत कुमार खुद नजर अपनी बनाए हुए हैं इस मामले में, और कभी कभी आज पूरे ही दिन में दो बार तो एडीजी प्रशांत कुमार ने खुद फ्लाइंग मार्च निकाला भारी पुलिस बल के साथ। मतलब कुछ भी चूक करने के लिए कहीं भी पीछे नहीं हट रहा है। मतलब जिस तरीके से मेरठ प्रशासन का माना जाए बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि बराबर के जैसे जो जिलों में हिंसा की बात हो रही है, इसको लेकर मेरठ और बागपत एक ऐसा जिला है अभी तक कोई हिंसा नहीं हुई है। बराबर से मुजफ्फरनगर माना जाए, सहारनपुर में भी हिंसा है, इंटरनेट सेवा सहारनपुर में बंद कर दी गई, मुजफ्फरनगर में भी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में हिंसा आया और गाजियाबाद में इंटरनेट सेवा बंद कर दी, बुलंदशहर में ऐसी तमाम पूरे मेरठ जोन में हिंसा आ रही है, लेकिन इसको लेकर मेरठ प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर है। चलिए विपिन, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे साथ मेरठ से विपिन सोलंकी। तो मेरठ में भी हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से विपिन ने बताया कि मेरठ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन देखने को मिला है, वहां पर पुलिस बल तैनात है, खुद पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है देखरेख करने के लिए। फिलहाल के लिए इस वक्त सिर्फ एबीपी न्यूज पर। यस नो यस Sorry. No, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. Pittu ko Sonia mil gayi, Ronu ko Moli, aur Banti ko Bubbly. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call... जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम, रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक, अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस नो यस सॉरी नो यस यस नो। यू जस्ट ओनली हैव टू प्लेस राइट पर्सन एट राइट प्लेस। एंड यस यस
यस, बिट्टू को सोनिया मिल गई, रोनू को मोली और बंटी को बबली। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, प्लीज लॉग इन www.sanskarwedding.com एंड फॉर फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉल। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, नो, यस, सॉरी, no, yes, yes, no. You just only have to place right person at right place. And yes, yes, yes. Pittu ko Sonia mil gayi, Ronu ko Moli, aur Banti ko Bubbly. So, what you are waiting for? Please log in www.sanskarwedding.com and for further queries, please call. और दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए, अभी तक कोई जान माल को खतरा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता नीरज अमरनाथ अग्रहरी जुड़ चुके हैं। जी नीरज जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, क्या माहौल है, क्या कोई अभी तक जान माल का खतरा, इसकी कोई खबर सामने आई है? देखिए कोमल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से पूरे देश में एनआरसी और सीए का झटका इस वक्त पूरा देश महसूस कर रहा है, उसी में भूकंप का ये झटका पूरे देश को इस वक्त एकदम मतलब अपनी ओर खींच लिया है। ये भूकंप आपको बता दें कि 5:00 पे ये झटके महसूस किए गए। इसका जो केंद्र है वो अफगानिस्तान का हिंदुकुश माना जा रहा है, लेकिन इसका जो जम्मू कश्मीर और इससे प्रभावित जो राज्य है चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली है, लेकिन इसका और कहां कहां पे इसके मतलब कि भूकंप के झटके देश में महसूस किए गए हैं वो देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए कि अफगानिस्तान का हिंदुकुश वो एरिया है जहां पर काफी सारा वहां पर अगर आप देखिए तो पूरा पहाड़ी एरिया है ये। इससे पहले हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। लगातार वैज्ञानिक भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जो हमारे देश का जो गुरुत्वाकर्षण है उसमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है। ऐसे में दिल्ली में जिस तरीके से सरगर्मी पूरे देश
में जब इस तरीके का माहौल है, उन सब के बीच में अगर भूकंप के झटके अगर महसूस किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक मतलब की जो एक्टिविटीज है वो भी देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश में, चाहे वो दिल्ली हो, डिब्रूगढ़ हो, लखनऊ हो, देश का जो भी तमाम विभिन्न एरिया है, वहां पे जो सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के पथराव हो रहा है, आगजनी हो रहा है, धरती पर जिस तरीके से बड़े बड़े आग रूपी मतलब कि पूरा आग का पूरा जो वो जाल फैलाया जा रहा है, इन सब के बीच में ये भूकंप के झटके भी इसको जोड़ करके ही हम देखेंगे कि देखिए जब आप किसी चीज का विरोध करते हैं तो उस पे उसी के जस्ट विरोध में प्राकृतिक रूप से भी कहीं ना कहीं चीजें भी सामने होकर के आ रही है। लेकिन अभी तक यही है कि इस भूकंप के झटके से कोई भी जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। कोमल, ये फिर एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि ये दिल्ली सहित चंडीगढ़ और आपके हरियाणा पंजाब जी में भूकंप के झटके महसूस चुके हैं, जिसका रिक्टर स्केल पे जो इसके वो नापे गए हैं वो 7.1 हैं, और इसका जो केंद्र बताया जा रहा है वो अफगानिस्तान के काबुल में हिंदुकुश एरिया है, जो जहां पे इसके इसका वो पाया गया है। कोमल जी, नीरज 5:12 से ये झटके महसूस किए गए हैं, जिसका असर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है। फिलहाल अभी तक कोई भी जान को खतरा या फिर इस तरीके की कोई भी खबर सामने नहीं आई कि किसी को किसी तरीके का नुकसान हुआ हो। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में कि जिस तरीके के ये झटके सामने आए हैं, क्या किसी तरीके की कोई खबर सामने आ सकती है? देखिए, अभी तक जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिसकी रिक्टर स्केल पे जो पैमाना वो नापी गई है वो 7.1 है, और इसके अलावा भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान है। लेकिन जान माल का नुकसान अभी कहीं पर कोई भी इस तरीके की खबरें सामने नहीं आ रही है। जिस तरीके से लगातार मतलब कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है कि आखिर आप देखिए कि किस तरीके से भूकंप के झटकों ने नेपाल को बर्बाद कर दिया। फिर उसके बाद आप यूरोपीय कंट्रीज में जाएं तो वहां पर भी काफी प्रभावित हुए, और इंडिया में भी अभी आप जब 2012 के दरमियान अगर आप तस्वीर देखें तो उस वक्त कितना खासा नुकसान हुआ था। ये 7.1 तरीके से 7.1 का जो ये रिक्टर स्केल पे नापा गया है, ये भी अपने आप में चिंता की लकीर है, क्योंकि देखिए कि 3.0 तक तो नॉर्मल माना जाता है, जैसे ही आप 5-6 क्रॉस करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा चिंता की बात होती है। लेकिन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन खबर ये भी है कि किसी को किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज। नमस्कार। जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज, सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम, रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक, हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। यस, नो, यस, सॉरी, no, yes, yes, no, you just only have to place right person at right place and yes, 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 Pittu ko Sonia mil gayi, Ronu ko Moli aur Banti ko Bubbly, so what you are waiting for, please log in www.sanskarwedding.com and for further queries please call
जीएसटी रिफॉर्म से लेकर कैशलेस इकोनॉमी तक, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से लेकर अर्थव्यवस्था की बदलती चाल तक, बिजनेस से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर मिलेगी आपको यहाँ स्टॉक एक्सचेंज सिर्फ एवी स्टार न्यूज पर। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना, व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम, रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात, मोबाइल वर्ल्ड में।